क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये हमारा आज का टॉपिक है। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर अलर्ट कर रहा हूँ जेड। ओके, और उसकी ये इक्वल है किसके, वन के। और वन को मैं लिख सकता हूँ वन की पावर 1/3, इस तरह से। ठीक है, जेड मैंने किसके इक्वल माना है, वन के। और वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 की पावर 1/3। ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर किया, लेट जेड इज इक्वल टू 1 पावर 1/3। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ से 1/3 हटा दूँ तो इधर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जेड का क्यूब। और ये इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है ना, अब इधर जेड क्यूब ऐसे ही ठीक है, 1 इधर लेकर आऊँ तो माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू में क्या बचेगा, 0। ये मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है ना, फिर से हमें क्या पढ़ना है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब 1। अब 1 का हमें क्यूब रूट निकालना है, तो 1 का क्यूब रूट मैंने माना किसके इक्वल रहा होगा, जेड के इक्वल। फिर से 1 का क्यूब रूट मैंने किसके इक्वल माना, जेड के इक्वल। यहाँ से स्टार्ट किया और मैं ये जेड फाइंड करना चाहता हूँ कि तो क्या निकल कर, अगर मैं जेड फाइंड कर लूंगा तो क्या निकल कर आ जाएगा, क्यूब रूट किसका, यूनिटी का। ठीक है ना, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जेड के इक्वल माना। अब यहाँ से ये हटाएंगे तो इधर क्यूब आ जाएगा, 1 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a³ - b³ वाला फॉर्मूला, जो कि इक्वल होता है किसके, a - b, एंड ब्रैकेट में क्या, a² + ab + b²। ठीक है, ये तो यहाँ पर a³ - b³ का फॉर्मूला लगा दिया, a - b a² + ab + b² ओके। अब यहाँ पर दो फैक्टर बन गए हैं, एक तरह z³ - 1 के दो फैक्टर बन गए हैं, एक तो z - 1 बन गया है और दूसरा z² + z+1, ये दो फैक्टर बन गए हैं। अब इन दोनों फैक्टर से इस इक्वेशन के जीरोज निकाले जा सकते हैं बड़े आसानी से। तो इससे तो निकालना बिल्कुल आसान है, मतलब कि z - 1 को आप 0 के इक्वल रख दो तो यहाँ से एक 0 निकल कर आ जाएगा, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से तो जेड की वैल्यू 1 मिल जाएगी, लेकिन जब आप इसके जीरोज निकालोगे तो इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकालो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके निकालो, है ना, और तब जाकर जेड की वैल्यू आपको मिलेंगी। तो मैं जेड की वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज कर रहा हूँ, तो z² + z+1 = 0, इस तरह से है। अब यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला आपको याद है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था, -b + -√b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, -b की वैल्यू हमारे लिए कितनी है, 1, प्लस माइनस √b² यानी 1 का स्क्वायर, b² - 4 × a, a की वैल्यू कितनी है, 1 × c 4ac, और होल डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू कितनी है, 1। ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो z = -1 + -√, इसको सॉल्व करो तो ये कितना बनेगा, 4 बनेगा, ये 1 बनेगा, और 4 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस का 3 आएगा और अपॉन में क्या चल रहा है, 2। ठीक है, और इस -3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है हम इसको लिख सकते हैं 3i। क्या लिख सकते हैं, 3i। तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो z = बन जाएगा -1 + -3i/2। ये मेरे पास z की दो वैल्यू यहाँ से निकल गई और एक यहाँ से निकल गई। अब क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो ऑफ कोर्स इसके कितने जीरोज होंगे, तो आंसर है 3 जीरो होंगे, जिसमें से एक ये मिल गया और 2 यहाँ पर मिल गए। तो वो जीरोज में यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या क्या मिले हैं, 1 मिला है एक तो आंसर, और एक आंसर मिला है मुझे -1 + 3i/2, और एक और आंसर मिला है -1 - 3i/2, -1 - 3i/2। ये तीनों सॉल्यूशन है किसका, इस इक्वेशन का। ओके, तो अगर इन सॉल्यूशन को आप ध्यान से देखो बच्चों, तो हमें ये देखने को मिला कि जब भी जेड 1 की पावर 1/3 के इक्वल होगा, जब भी जेड
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के इक्वल होगा, तो वहां पर जो इक्वेशन बनती है और उसके जो सॉल्यूशन आते हैं, उन सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन तो हमारा रियल होता है, एक सॉल्यूशन का आंसर तो रियल नंबर आता है, लेकिन बाकी के जो दो सॉल्यूशन आते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। बाकी के दोनों सॉल्यूशन कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमें समझ आ रही है वो ये कि जब भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाला जाता है तो उसके जो सॉल्यूशन होते हैं, उसके जो रूट्स होते हैं हमारे पास, तीन रूट होने चाहिए, तो उन तीन रूट्स में से एक तो रियल होता है और बाकी के दो कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, ये तीन आ गए हमारे पास। अब मैंने एग्जाम्पल के लिए एक चीज और इसकी प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश की है कि यहां पर ये जो दो कॉम्प्लेक्स रूट है, ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स रूट हैं, इनके पास एक खास बात है। क्या खास बात है वो मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मान लो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स रूट आया है -1 + 3i / 2, इस कॉम्प्लेक्स रूट का अगर मैं स्क्वायर निकालूं, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, दो कॉम्प्लेक्स रूट में से किसी एक कॉम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर निकाल रहा हूं मैं, तो निकाल कर देखिए कितना आंसर आएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो a² + b² और माइनस हो जाएगा यहां पर 2 × 3, 6i, इस तरह से आ जाएगा ये। ठीक है, और यहां पर भी आयोटा स्क्वायर इसे माइनस बना रहा होगा और नीचे अपॉन में क्या 4। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लो, इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो यहां पर कितना बचेगा, 1 - -3 - -3 - -6i और अपॉन में क्या चल रहा है 4। ठीक है, इस तरह से। अब इसको और सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो इतना बचेगा -2 - -6i / 4। और सॉल्व कर लो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर -1 - -3i और अपॉन में क्या चल रहा है 4। 2 से इसको कैंसिल करा दो तो आप सॉल्व करके देख रहे हो -1 - -3i / 2। ये जो आंसर आ रहा है ये कौन सा आंसर है, इसको ध्यान से देखो कौन सा आंसर है ये। तो आंसर है ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, है ना। मतलब हमने इस वाले कॉम्प्लेक्स रूट को अगर स्क्वायर किया, इस वाले कॉम्प्लेक्स रूट को अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो स्क्वायर करके मुझे ये वाला नंबर मिलता है, या इसका उल्टा भी ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करके देखूं तो इसका स्क्वायर करने पर मुझे ये वाला आंसर मिलेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो दो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं क्यूब रूट यूनिटी में, जो हम रूट निकालते हैं तीन रूट, उनमें से एक रियल और दो कॉम्प्लेक्स होते हैं, और उनमें जो दो कॉम्प्लेक्स वाले हैं उनमें से इस वाले का अगर स्क्वायर करें तो ये वाला आंसर आता है, इस वाले का स्क्वायर करें तो ये वाला आंसर आता है। तो इसका मतलब अगर एक नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर दूसरे का स्क्वायर के इक्वल है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इन तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को अपनी तरफ से एक नाम दे रहा हूं। ठीक है, अपनी तरफ से इनका एक नाम रख देता हूं। तो वो क्या है, देखिए 1 तो ऐसे ही ठीक है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैंने इस वाले नंबर का नाम मान लो ओमेगा रखा, थोड़ी देर के लिए क्या नाम रखा, ओमेगा, तो वो वाला नंबर का जो नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा, तो आंसर इसके स्क्वायर के, जो थर्ड वाला रूट होगा वो इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अगर ये नंबर आपने ओमेगा माना है तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो इसके स्क्वायर के इक्वल आता होगा। तो इसका मतलब ये है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो रूट्स है हमारे तीन रूट, वो इस फॉर्म में होंगे, उनमें से एक आंसर तो 1 होता है, दूसरे वाले रूट का नाम हमने अपनी तरफ से ओमेगा रखा, तो तीसरा वाला रूट हर हाल में, जो कॉम्प्लेक्स वाला जो रूट है वो कॉम्प्लेक्स वाला रूट पहले वाले रूट के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हमने यहाँ पर करके भी दिखाया कि अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स रूट हैं तो अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो ये आंसर आता है। तो अगर इसका नाम ओमेगा रखा गया, मान लो इसका नाम ओमेगा रखा गया, तो ये वाली जो चीज है ये किसके इक्वल होगी, तो आंसर है ओमेगा के स्क्वायर के, है ना। तो जो थर्ड वाला है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इस तरह से जो क्यूब रूट होते हैं, जो हमारे पास रूट्स हैं, उनको इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, पहले मुझे आप ये बताओ, आप इतनी बात आपको समझ आ रही है कि क्यूब रूट
ऑफ यूनिटी में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अगर जेड के इक्वल माना जाए तो जो जेड की जो वैल्यू आती हैं, है ना, जो जेड की वैल्यू आती हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी है कि एक उसमें से रियल वैल्यू होती है, बाकी दो कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती हैं, और उन दोनों कॉम्प्लेक्स वैल्यू में से एक वैल्यू का स्क्वायर करें तो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, इसका स्क्वायर करें तो ये नंबर मिलता है। तो अगर इसको ओमेगा माना गया तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, अगर इसको ओमेगा माना गया तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये समझ आ गया। अब बच्चों आप क्या करोगे, वन बाय वन क्यूब रूट्स जो हमारे पास आए हैं, ये जो रूट्स आए हैं कॉम्प्लेक्स रूट या रियल रूट, इनकी वन बाय वन हम प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं वन बाय वन प्रॉपर्टी लिखूंगा, तो यहां पर हेडिंग भी डाल लो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ अदर, ठीक है। ओके, नंबर वन प्रॉपर्टी तो ये हो गई, ये मैंने आपको वहां पर प्रूफ करके दिखा दी थी कि अगर मैं -1 + 3i / 2 का होल स्क्वायर करता हूं तो जो इसका आंसर निकल कर आ रहा था वो -1 - 3i / 2 के इक्वल आ रहा था, ठीक है। या इसका वाइस वर्सा भी ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हो कि जो हमारा थर्ड वाला जो क्यूब रूट था -1 - 3i / 2, अगर आप इसका स्क्वायर करते तो इसका आंसर इसके इक्वल आता, -1 + 3i / 2 के। तो जो दो कॉम्प्लेक्स रूट हमारे आए थे ना, याद है आपको कौन कौन से आए थे, -1 हमारा एक नंबर आया था और दो आंसर हमारे ये आए थे -1 + 3i / 2 और एक आया था -1 - 3i / 2, है ना। तो अगर इसका स्क्वायर करें तो वो आएगा, उसका स्क्वायर करें तो वो आएगा, तो ये दो कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स रूट है वो एक दूसरे के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। अच्छा, अब आ जाइए दूसरी प्रॉपर्टी पर। सेकंड प्रॉपर्टी की बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप और प्रॉपर्टी ये देख सकते हैं कि अगर सम करें इन क्यूब रूट का, है ना, तो कितना निकल कर आएगा, जो हमारे पास ये क्यूब रूट हैं, सम ऑफ क्यूब रूट इज इक्वल्स टू जीरो। सम ऑफ क्यूब रूट किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो क्यों होता है जीरो के इक्वल, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम कह रहे हैं कि जो 1 + ω + ω² ये हमारे पास तीन रूट हैं, एक ओमेगा वन है, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए तब क्या होगा, तो इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो इनका आंसर हम कह रहे हैं जीरो के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब जीरो के इक्वल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें इसकी, जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिखा 1 + ω की बात करें तो ओमेगा हमने इसका नाम दिया था ना, इसका, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ -1 + 3i / 2, ये लिख लिया मैंने, और प्लस ओमेगा का स्क्वायर कराओ तो ओमेगा का स्क्वायर जो हमारा थर्ड वाला है, थर्ड वाला रूट जो आया था वो ये था -1 - 3i / 2, ये ठीक है ना। ये तीन रूट आए थे हमारे, 1 और ये और ये। अब इन तीनों को सॉल्व करके देखो कि हमारा आंसर कितना बनेगा। तो 1 + यहाँ पर ध्यान दो माइनस, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर -1 और -1 मिलकर कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा, और -3 और +3i ये कैंसिल हो चुके होंगे, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पर चाहो तो कैंसिल करा कर लिख दो या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, ये आपको समझ आ गया होगा। -1 और -1 कितना हो गया होगा, -2, और प्लस का 3i और माइनस का 3i, ये तो क्या हो गए होंगे, कैंसिल हो गए होंगे। अब 2 से इसको कैंसिल कराओ कितने टाइम कैंसिल होगा, -1, और 1 में से -1 कैंसिल कराओगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो यानी कि जो हमारे तीन क्यूब रूट जो निकल कर आए हैं इनको अगर हम ऐड करा दें तो ऐड कराने पर यानी कि इन तीनों का जो सम होता है वो किसके इक्वल निकल कर आता है, 0 के इक्वल। अब इसमें से इसका नाम तो हमने 1 का तो 1 ही कहा है, और इस वाले का नाम हमने ओमेगा रखा है, और इस वाले का नाम हमने ओमेगा स्क्वायर रखा है। तो इसका मतलब ये है कि 1 + ω + ω²
इन तीनों को सम कराने पर ये किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट वाली आपकी प्रॉपर्टी बन गई जो बहुत ज़्यादा यूज होगी, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या, जीरो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ आ रही है प्रॉपर्टी आपको? इसके बाद बच्चों मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर लेकर आता हूं आपको, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री क्यूब रूट, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री क्यूब रूट इज यूनिटी। यूनिटी या वन कह लो, वो एक ही बातें होंगी। अब बच्चों हमारे पास तीन रूट हैं, हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो वन है, एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। जब भी मैं ओमेगा कहता हूं तो आपको समझ आता है ना मैं क्या कह रहा हूं, ओमेगा का मतलब माइनस वन प्लस थ्री आयोटा अपॉन टू, ओमेगा स्क्वायर का मतलब माइनस वन माइनस थ्री आयोटा अपॉन टू, उनका नाम रख दिया गया ये, ठीक है ना। अब अगर इन तीनों का प्रोडक्ट कराया जाए, इन तीनों का प्रोडक्ट कराया जाए तब क्या होता होगा, तो आंसर है कि वन इंटू ओमेगा ओमेगा, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आता होगा, ओमेगा क्यूब के इक्वल आता होगा, ठीक है। किसके इक्वल आएगा, ओमेगा क्यूब के इक्वल, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती होगी, तो आंसर है वन। कैसे ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन क्यों हुई, तो वो भी मैं आपको एक प्रॉपर्टी फॉर्म में ही समझाता हूँ। समझो जैसे मान लो बच्चों कहीं पर लिखा हुआ है जेड क्यूब माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो जेड क्यूब किसके इक्वल हुआ, तो आंसर है वन के। जेड क्यूब किसके इक्वल हुआ, वन के इक्वल हुआ। अब जेड की हमारे पास तीन वैल्यू हैं, कौन कौन सी वैल्यू हैं, वन है, ओमेगा है एंड ओमेगा स्क्वायर है, तीन वैल्यू हैं जेड की। अब ये तीनों ही वैल्यू इस इक्वेशन को क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाइड करनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर वन रखता हूँ तो वन का क्यूब वन के इक्वल आएगा, सही बात है, और ओमेगा भी इसका इसकी एक वैल्यू है, जेड की वैल्यू एक ओमेगा भी है, तो ओमेगा भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता होगा, है ना। हमारे पास जो तीन रूट हैं वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने चाहिए। तो करते होंगे या नहीं करते होंगे, तो आंसर है करते रहेंगे, क्योंकि जेड की तो वैल्यू है ये तीनों की तीनों। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, अगर जैसे मैं वन यूज करके दिखाता हूँ, पुट वन, जैसे मान लो जेड इक्वल्स टू वन पुट करें तो वन का क्यूब इक्वल्स टू वन, तो ये वेरीफाई होता है ना, यस वेरीफाई होता है, तो जेड की वैल्यू वन होगी। अच्छा अगर जेड की एक और वैल्यू है क्या, ओमेगा, तो यहाँ पर ओमेगा पुट करके देखो तो ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू क्या आया, वन, और ये इसको सेटिस्फाई करना ही चाहिए क्योंकि ओमेगा भी इसका क्या है, एक वैल्यू है, या मैं कहूँ इस इक्वेशन का एक जीरो है। अगर इस इक्वेशन का एक जीरो है तो ओमेगा यहाँ पर पुट किया जा सकता है, और ओमेगा क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता होगा, वन के इक्वल, ठीक है ना। अच्छा एंड ऑल्सो यू कैन पुट वॉट, जेड इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर जब जेड इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर पुट करोगे, जेड की वैल्यू कितनी, ओमेगा स्क्वायर, और उसका क्या चल रहा है, क्यूब, तो यहां पर टू बाहर लिख लो थ्री अंदर लिख लो, ऐसे करके ऐसे करके लिख लिया हमने, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, वन, और वन का स्क्वायर कराओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, वन। तो ये भी वेरीफाई हो रहा है, तो ये वेरीफाई आप हालांकि आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये बात आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए क्या, कि अगर ओमेगा इस इक्वेशन का एक जीरो है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता होगा, और अगर इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाइड करता होगा तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं जेड की वैल्यू ओमेगा पुट करूं तो ओमेगा किसके इक्वल, ओमेगा का क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, वन के इक्वल। तो आगे से जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम क्या किया करेंगे, ओमेगा क्यूब को किसके इक्वल रखेंगे, वन के इक्वल, ठीक है। अब ऐसे ही जब हम प्रोडक्ट ऑफ थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ रहे हैं तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आया, ओमेगा क्यूब के, और ओमेगा क्यूब का आंसर किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट, 1। और सम भी आपने पढ़ा था, सम पे याद हो गया आपको, सम किसके इक्वल होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किया जाए तो ये जीरो के इक्वल होता है, प्रोडक्ट वन के इक्वल होता है,
और सम जीरो के इक्वल होता है, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे मान लो हम और कोई प्रॉपर्टी पढ़ना चाहें तो वो भी बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे मान लो बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है कहीं पर ओमेगा क्यू, वी नो दैट दिस इज व्हाट इट इज इक्वल्स टू वन, यस। ओमेगा क्यू किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल, ये हमने देख लिया यहाँ पर। अब ओमेगा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, यस। ओमेगा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा एक क्यूब रूट है और ओमेगा स्क्वायर ये भी एक क्यूब रूट है ना। तो इस ओमेगा स्क्वायर को अगर मैं चाहूं तो यहां से उठाकर नीचे ले जा सकता हूं, तो ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर के आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर में नीचे ले जाकर गया, लेकर गया। या आप चाहो तो ओमेगा को नीचे ले जाओ तो ओमेगा स्क्वायर वन अपॉन ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। तो जब हम क्यूब रूट यूनिटी की बात करते हैं तो हमारे पास वहां पर तीन क्यूब रूट निकल कर आते हैं जिनमें से एक रियल है और बाकी के दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। तो हमने इनके बारे में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एक कॉम्प्लेक्स रूट दूसरे कॉम्प्लेक्स रूट के स्क्वायर के इक्वल होता है, एक प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी और हमने देख ली कि एक कॉम्प्लेक्स रूट और दूसरे कॉम्प्लेक्स रूट के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। फिर से हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ ली कि एक कॉम्प्लेक्स रूट दूसरे कॉम्प्लेक्स रूट के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स रूट है और ये दूसरे कॉम्प्लेक्स रूट का क्या लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल, उसके इक्वल है। या आप चाहते तो इसको ऐसे भी बना सकते थे कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन ओमेगा, वो एक ही बात है। आप ओमेगा अगर नीचे ले जाते तब भी आप यही कह रहे होते कि एक क्यूब रूट, एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट अदर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो वैसे तो इसको यहाँ से समझना आसान है, और अगर आप और क्लियर करना चाहते हो एक्सप्लेनेशन को तो आप वैल्यू वाला जो है ना उसको भी करके देख सकते हो। जैसे मान लो हमारे पास जो वैल्यू आई थी कॉम्प्लेक्स वाली वो ये आई थी, 1+3 आयोटा अपॉन में कितना 2, ये आया था है ना, ये हमारा ओमेगा था, और -1 -3 आयोटा अपॉन 2 ये हमारा ओमेगा स्क्वायर माना गया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ओमेगा है वो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, ओमेगा जो है वो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। जब मैं ये कहता हूँ तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से ओमेगा यानी कि -1+3 आयोटा अपॉन 2 ये चीज इक्वल रही होगी किसके, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर के। 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 -3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है ना। अब अगर आप इस चीज को रैशनलाइज कराओ ना और सॉल्व करो तो सॉल्व करने के बाद आपका यही आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये ओमेगा जो है वो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आता है। तो आप रैशनलाइज कराते ही आपको ये टर्म मिल जाता है, या इसका उल्टा, ये वाला टर्म ओमेगा स्क्वायर वाला टर्म इधर लिख लो और ओमेगा वाला टर्म नीचे लिख लो, फिर अगर आप उसको रैशनलाइज कराओगे सॉल्व करोगे तो वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो कॉम्प्लेक्स रूट हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। ये हमारी 5th प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, ये समझ आई आपको, बिल्कुल आसान है। ओमेगा क्यू को ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखो और ओमेगा स्क्वायर को नीचे ले जाकर लिख दो, तो उससे पता चल जाता है कि एक क्यूब रूट एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट दूसरे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट के रेसिप्रोकल के इक्वल है। तो हमारे जो तीन रूट आए हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, हमारे जो तीन रूट आए हैं वो आए हैं -1 -1+3 आयोटा अपॉन 2 एंड -1 -3 आयोटा अपॉन 2, जिनमें से हमने यहाँ पर 1 लिखना चाहिए, यहाँ पर इसका नाम तो हमने 1 ही रखा, इसका नाम हमने ओमेगा रखा है और इसका नाम हमने ओमेगा स्क्वायर रखा है। ओके, नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के इक्वल है। ध्यान से देखो इसको, क्या ये नंबर इसके कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के इक्वल है ना, है या नहीं है? तो आंसर है हाँ है। अगर इसका कॉन्जुगेट निकाला जाए तो यहाँ पर यही तो साइन चेंज करोगे सिर्फ आप, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक क्यूब रूट यूनिटी में दो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं तो उनमें से अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट ओमेगा है तो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स रूट ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा,
या दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स रूट ओमेगा के कॉन्जुगेट के इक्वल होगा, ठीक है। या तीसरी चीज जो जो तीसरा आप जो रिप्रेजेंट कर सकते हो वो क्या, ये किसके इक्वल होगा, वन अपॉन ओमेगा के इक्वल होगा, ठीक है। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है कि अगर एक 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 कॉम्प्लेक्स रूट ओमेगा है तो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स रूट उसके स्क्वायर के इक्वल होता है, दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स रूट उसके कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स रूट उसके रेसिप्रोकल के भी इक्वल होता है। तो ये तीन हैं, नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री, तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप दूसरे कॉम्प्लेक्स रूट को, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट वाली प्रॉपर्टी बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या है कि अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अगर हम नेगेटिव में लिखना चाहें, मतलब इस तरह से अगर मैं लेकर चलता हूँ, जैसे जेड इक्वल्स टू माइनस का वन अपॉन थ्री लेकर चला होता, नेगेटिव अगर लेकर चला होता, तब उस केस में क्या होता, तो आंसर है कि यहाँ से क्यूब रूट हटाते तो इधर क्यूब आ जाता और इधर क्या चल रहा होता, माइनस वन चल रहा होता। जेड के क्यूब का मतलब हो गया जेड इंटू जेड इंटू जेड, यही तो हो गया ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो जेड के जो आंसर होंगे, वैसे मैं अगर पहले वाले जेड का हम आंसर रखें तो उसकी वैल्यू वन रख सकते हैं, दूसरा वाला जो क्यूब रूट की वैल्यू होती है वो ओमेगा होती है, और तीसरे वाले को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, ओमेगा स्क्वायर से, और ये सब किसके इक्वल चल रहे होंगे, माइनस वन के इक्वल, ठीक है ना। तो आप ये वाला जो माइनस है वो इन तीनों के साथ लगा लो, मतलब माइनस वन, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है ना। तो जब आपका जेड क्यूब वन के इक्वल होता है बच्चों, किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, तो आपके जो आंसर आते हैं वो ये आते हैं, ठीक है ना। इसको मैंने सिर्फ कंपैरिजन बेसिस के लिए सिर्फ लिखकर दिखा दिया था, अगर आपका यहाँ पर वन लिखा होता तो आपके ये क्यूब रूट के आंसर आए थे, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस वन लिखा होगा तब क्या आंसर आएगा, तो एक आंसर आएगा माइनस वन, दूसरा माइनस ओमेगा और तीसरा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये चाहो तो आप डायरेक्टली मेमोराइज कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं हम इसका और अच्छा सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका ये है कि जैसे मैंने उसको सॉल्व करके दिखाया था कि जेड क्यूब प्लस वन आ जाएगा और इक्वल्स टू में क्या बचेगा, जीरो, है ना। और इस इक्वेशन के दो रूट होंगे, एक तो होगा जेड प्लस वन, दो फैक्टर होंगे, एक तो होगा जेड प्लस वन और दूसरा जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन, है ना। और इनको जब आप सॉल्व करोगे ना तो जो आपके आंसर्स आएंगे उन आंसर में एक आंसर तो बच्चों माइनस वन होगा ये, है ना, और दूसरा जो आंसर आएगा उसको अगर आप माइनस ओमेगा लेकर चल रहे हो तो तीसरा वाला जो आंसर होता होगा वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, समझ गए बात। इसको सॉल्व करके कितने आंसर आएंगे, तो आंसर है तीन, इनमें से एक तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि जेड की वैल्यू, एक तो माइनस वन आएगी, फिर एक इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर दो वैल्यू आएंगी, उन दो वैल्यू में से अगर आपने पहली वैल्यू का नाम माइनस ओमेगा दिया है तो दूसरा वाला जो कॉम्प्लेक्स वाली जो वैल्यू होती होगी वो किसके इक्वल होती होगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। ये उसी तरह से है जैसे जब हमने जेड क्यू प्लस वन इक्वल्स टू जीरो इसको जब हमने सॉल्व किया था तो वहां पर जेड की तीन वैल्यू आई थी, जिसमें एक तो वन थी और दूसरी वाली क्या थी हमारी, अगर हमने ओमेगा मानी तो तीसरी वाली हमारी किसके इक्वल लिखी थी हमने, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। ऐसी इसमें अगर पहला एक तो माइनस वन तो फिक्स है, और अगर पहली वैल्यू माइनस ओमेगा के इक्वल माना है तो दूसरा वाला वैल्यू किसके इक्वल आता होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, नेगेटिव यूनिटी के लिए अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं तो उसके ये तीन रूट होते हैं, ठीक है। ये इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी हो गई। ओके, नाउ इसके बाद और भी प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, पहले आप मुझे ये बताओ कि ये वाली आपको आंसर समझ आ गए कि तीनों मैंने क्यों लिख दिए, माइनस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर कैसे लिखा, ये क्लियर है। जैसे वहां पर वन होता है तो ये एक क्वेश्चन बनती है, वहां पर मैंने स्टार्टिंग में करके दिखाया था ना, तो वहां पर तीन आंसर आ रहे थे, ऐसे ही इसमें तीन आंसर आएंगे, एक माइनस वन आएगा, दूसरा जो आंसर आ रहा होगा उसका नाम माइनस ओमेगा रख दोगे अगर आप, तो तीसरा वाला आंसर माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल रहा होगा,
तो हम उसको पूरा दोबारा से नहीं पढ़ रहे हैं नेगेटिव के लिए, एक क्योंकि हम एक चीज कर चुके हैं तो दूसरे का हम डायरेक्ट के आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी आप पढ़ सकते हो कि अगर क्यूब रूट यूनिटी को 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से डिनोट किया जा रहा है तो 1 प्लस ओमेगा पावर एन एंड ओमेगा पावर 2n, इसका जो आंसर आएगा वो ऑलवेज 3 के इक्वल आएगा। कब? जब n मल्टीपल होगा 3 का, n इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, और या इसका आंसर 0 होगा जब n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, मतलब अगर यहां पर मान लो 2 लिखा हुआ है और यहां पर 4 लिखा हुआ है, मतलब जो n की वैल्यू यहां पर वही n की वैल्यू आप यहां पर लेकर चलो और उसको अगर सॉल्व करोगे तो अगर n मल्टीपल ऑफ 3 लेकर चल रहे हो तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर ऑलवेज 3 आएगा, और अगर n यहां पर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं लिया गया है, कुछ और है, तो उसका आंसर ऑलवेज 0 आएगा। ये हम प्रूफ करके देख लेते हैं। देखो समझो, जैसे मान लो अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो लेट केस 1 अगर हम देखें, व्हेन n इज मल्टीपल ऑफ 3, n क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। अगर n मल्टीपल ऑफ 3 है तो n कुछ 3 इंटू समथिंग फॉर्म में रहा होगा, 3am के फॉर्म में रहा होगा। अगर n मल्टीपल है 3 का तो n किस फॉर्म में रहा होगा, 3 इंटू समथिंग। ओके, तो n की वैल्यू 3am यहां पर पुट करके देख लीजिए, तो 1 प्लस ओमेगा n की वैल्यू 3m प्लस ओमेगा 2 इंटू n की वैल्यू 3m। ये ओके, आगे सॉल्व करो, 1 प्लस ओमेगा क्यूब की पावर m लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, और यहां पर हम इसको क्या लिख पाएंगे, 3 अंदर लिख लो ये वाला और 2 और m अंदर रहने दो, 2m बाहर रहने दो, 3 अंदर लिख लिया हमने। और व्हाट वी नो दैट कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा क्यूब हमने क्या पढ़ा है, 1 के इक्वल, तो 1 की पावर m 1, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, और 1 की पावर कुछ भी हो तो उसका आंसर कितना, 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 3। तो इसका मतलब ये है कि कहीं पर 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n लिखा हो और उसमें अगर n एक ऐसा नंबर लिया जा रहा है जो कि 3 का मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, तो उसका जो आंसर आएगा, उसका जो आंसर आएगा वो हर हाल में 3 के इक्वल होगा। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि मान लो हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा पावर 12 ऐसे लिखा हुआ है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन का आंसर निकाल कर दिखाओ तो आपको आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि ये क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो आंसर है यस, दिस इज मल्टीपल ऑफ 3। यस, तो अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो इस चीज का आंसर किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल ही होगा हर हाल में, किसके इक्वल होगा, 3 है, 3 के इक्वल होगा। अगर ये यहाँ ये n होगा और यहाँ पर ये 2n इस तरह से दिया होगा तो इसका आंसर 3 ही आएगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो ओमेगा पावर 9 प्लस ओमेगा पावर 18 इस तरह से दे दिया और आपको बोला गया इसको सॉल्व करो, या आपको एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और उसमें बीच में कहीं एक टर्म आ गया, तो इस चीज का आंसर जो है वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा, तो आंसर है 3 के इक्वल। ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज करोगे। ओके, सो दिस इज द वन ऑफ केस दैट एन इज मल्टीपल ऑफ 3। अगर मान लो n मल्टीपल ऑफ 3 के इक्वल ना हो तब क्या होगा, तो वहां पर दो केस बनेंगे। केस सेकंड ले लेते हैं हम, व्हेन n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है तो उस केस में ये होगा कि n या तो 3m प्लस 1 के इक्वल होगा, 3m तो होगा नहीं तो वो 3m प्लस 1 के इक्वल होगा, या 3m प्लस 2 के इक्वल होगा, या कुछ 3m प्लस 2 रहा होगा, है ना। जब भी हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, r की जो रिमाइंडर की जो वैल्यू होंगी वो या तो 0 होती है 3 से डिवाइड करने पर, या 1 होती है या 2 होती है।
अब अगर r की वैल्यू 0 है इसका मतलब वो 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, और अगर r की वैल्यू 1 है या 2 है तो इसका मतलब 3 से वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अगर वो 3 का मल्टीपल नहीं है तो वो 3m+1 या 3m+2 रहा होगा, और अगर मल्टीपल है तो वो 3m रहा होगा, ठीक है ना। अगर वो 3m+1 की फॉर्म में है तो मैं यहाँ पर पुट करके देखता हूँ कि तब क्या होगा। तो 1+ ओमेगा n की जगह 3m+1 ले रहा हूँ, n की जगह 3m+1 ऐसे लेता हूँ, और प्लस ओमेगा इंटू 2 इंटू m की जगह 3n+1 ऐसे, ठीक है, ऐसे ले लिया हमने। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, तो 1+ इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3n इंटू ओमेगा प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज ओमेगा की पावर 6n प्लस कितना 2, ठीक है ना, इस तरह से लिख देंगे इसको। ओके, नाउ अब इसके आगे आप सॉल्व करिए, तो क्या बचेगा, 1+ ओमेगा की पावर 3n, इसको आप 3 और इसकी होल पावर n लिख सकते हो, इंटू ओमेगा प्लस, और इस क्वांटिटी को भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसको आप क्या लिख पाओगे बताओ, ओमेगा की पावर 6n प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको मुझे ऐसे लिख देना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, ओमेगा की पावर 6n इंटू ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ पर 6n प्लस 2 आएगा ना, तो 6n अलग कर लो, ओमेगा स्क्वायर अलग कर लो, और 6n में आप इस तरह से लिख लो, ओमेगा की पावर 3 की पावर 2n और इंटू में क्या चल रहा है, ओमेगा स्क्वायर, 6n को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2n, ठीक है ना, इस तरह से। अब आप ध्यान से देखो, 1+ ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है और 1 की पावर n जो होता है वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, ओमेगा प्लस, यहाँ पर ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर, और 1+ ओमेगा+ओमेगा स्क्वायर ये हम पढ़कर आए हैं पहले से, ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि अगर n यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर हो जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, वो अगर पुट किया जाएगा, तो हमने ये देखा है कि सॉल्व करने पर हमारा आंसर कितना आता है, 0। तो ये तो हो गया 3m+1 का केस। ऐसे ही मान लो अगर हम 3m+2 लेकर चलें तब क्या होगा, तो 1+ओमेगा पावर n+ओमेगा पावर 2n में अगर हम n की वैल्यू 3m+2 लेकर चलें तब क्या होगा, तो 1+ ओमेगा n की जगह हम क्या रख रहे हैं, 3m+2 प्लस फिर से ओमेगा 2 इंटू m की जगह हम n की जगह हम क्या रख रहे हैं, 3m+2। ओके, इसको सॉल्व करो, तो 1+ओमेगा पावर 3m अलग इंटू ओमेगा पावर 2 अलग, 3m अलग कर लो और 2 अलग कर लो, ठीक है, ऐसे यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ओमेगा की पावर कितनी आएगी, 3 2 जा 6m है ना, और प्लस में 2 2 जा 4 ऐसे आ जाएगा, ये ठीक है। अच्छा, और इसको आप सेपरेट करके लिख लो, ओमेगा की पावर 6m अलग और ओमेगा की पावर 4 अलग, ऐसे करके लिख लो, ओमेगा की पावर 4 अलग ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये जो 6m है इसको ऐसे लिख लो, कैसे लिख लें वो, इसको इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 की पावर 2m, तो ये 6m बन गया। अच्छा, और ये जो 3m लिखा है इसको ऐसे लिख लो, कैसे, ओमेगा की पावर 3 की पावर m ऐसे, इससे क्या बेनिफिट होगा, 1+ ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो 1 की पावर m 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा होगा, ओमेगा स्क्वायर, ये ठीक है, प्लस यहाँ पर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 तो 1 की पावर 2n करोगे तो 1 ही बचेगा, तो यहाँ पर क्या बच गया, ओमेगा की पावर 4, और ये जो ओमेगा की पावर 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 4 को हमने क्या लिख दिया, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो 1+ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो क्या बच जाएगा, ओमेगा, और 1+ओमेगा+ओमेगा स्क्वायर का आंसर कितना आता है, 0, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम
n की वैल्यू 3m प्लस 2 लें या हम n की वैल्यू 3m प्लस 1 लें। दोनों ही केस में हमने ये देखा है कि जब भी n मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा, दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा? 0। और अगर मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो उस केस में जो इसका आंसर आएगा वो 3 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, इस बात का मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है इस तरह से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? तो आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। ओके, फिर से अगर मान लो यहाँ पर इस तरह से लिखा हो 1 प्लस ओमेगा की पावर 5 और प्लस ओमेगा की पावर 10, इस तरह से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है 3 का मल्टीपल नहीं है। तो जब भी आपको ऐसे नंबर दिखाएंगे जो कि 3 के मल्टीपल नहीं है, तो उनका आप डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते हो? आप डायरेक्टली उनका आंसर क्या लिख दोगे? 0 लिख दोगे। ठीक है, ये बात आई आपको समझ में? और अगर आपको कभी ऐसा दिख गया कि 1 प्लस ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 12, तो अब आपने देखा कि यहाँ पर ये तो 3 का मल्टीपल है, तो आप इसका डायरेक्टली आंसर क्या लिख दोगे? 3 लिख दोगे। ये वाली बात याद रखना कि ये रिलेशन काम तब कर रहा है जब यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर इसका डबल है, ये यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर इसका डबल है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर इसका डबल है। तब हम इसका मल्टीपल को देखेंगे सिर्फ, और उसके अकॉर्डिंगली अपने आंसर को दे देंगे। क्लियर है? इस तरह से आपकी ये 7th प्रॉपर्टी हो जाती है। अगर फर्स्ट पावर 3 का मल्टीपल है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि दूसरी पावर उसका डबल होना चाहिए। ये मैंने वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि अगर पहला 6 है पावर तो वो 3 का मल्टीपल है। अब दूसरा जो पावर वहाँ पर लिखा होता है वो 2n होना चाहिए, यानी 2 टाइम्स होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। एग्जाम्पल के लिए 1 प्लस ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 7, क्या इस पर ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है? तो आंसर है नो, क्योंकि जो थर्ड वाली जो पावर है वो सेकेंड वाली पावर का डबल होना चाहिए, क्योंकि रूल किस पर काम कर रहा है? 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n, ये होना चाहिए। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो जो थर्ड वाला है वो डबल होगा तब काम करेगा। इसके बाद अब नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। जैसे मान लो बच्चों, आप क्यूब रूट यूनिटी की हेल्प से आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करोगे तो वहाँ पर कुछ फैक्टराइजेशन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लाइक जैसे a का क्यूब प्लस बी का क्यूब, इस तरह का अगर आपके पास एक फैक्टराइजेशन करने के लिए आ गया तो इसके फैक्टराइजेशन आप कैसे करोगे? देखो सुनो, a क्यूब प्लस बी क्यूब का आप फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हो? a प्लस बी एंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस में ए बी और प्लस में क्या? बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, अब इसे आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के टर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप एक बेसिक सी आइडेंटिटी पहले से जानते हैं, व्हाट? दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आइडेंटिटी आप पहले से जानते हैं। अब इसमें जो ये 1 है ये इधर लेकर आइए, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो अगर कहीं पर माइनस 1 लिखा हो, है ना, तो उसे क्या लिखा जा सकता है? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो a प्लस बी ऐसे ही ठीक है, a स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में ये जो माइनस लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? हमने इस माइनस को ऐसे लिख लिया इस तरह से। देखो यहाँ पर माइनस 1 को हमने ये लिख दिया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और साथ में ए भी चल रहा है, और बी स्क्वायर के मल्टीप्लाई में यहाँ पर अपनी तरफ से 1 लिख सकते हैं क्या? तो आंसर है हाँ लिख सकते हैं। और कहीं पर अगर 1 लिखा हो तो वो किसके इक्वल होता है? ओमेगा क्यूब के इक्वल। तो यही कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 की जगह ओमेगा क्यूब लिख देता हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने। ओके, अब इसको सॉल्व करो, तो ए प्लस बी ऐसे ही ठीक है, ए स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, ए बी का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओगे तो ए बी ओमेगा आएगा, ए बी का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओगे तो ओमेगा स्क्वायर ए बी आएगा, प्लस क्या चल रहा है? बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ऐसे। ठीक है, अब ए प्लस बी ऐसे ही ठीक है, यहाँ पर अब कॉमन लो,
तो अगर आप कॉमन लेते हो तो क्या-क्या बनेगा? यहां पर कॉमन लेने पर हमारे पास बनेगा, ए कॉमन ले लो तो यहां पर बन जाएगा ए प्लस बी ओमेगा, इधर तो ये बन गया, प्लस यहां पर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो और बी कॉमन ले लो, तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन गया, बी कॉमन गया, तो क्या बचा होगा? ए बचा होगा, ठीक है, प्लस यहाँ से बी कॉमन गया तो एक बी बचा होगा, और ओमेगा स्क्वायर कॉमन गया तो ओमेगा बचा होगा, ठीक है, इस तरह से। अब आपका ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है, तो इन दोनों ब्रैकेट को सेम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया था, वन लिख लिया था अपनी तरफ से, और वन को ओमेगा क्यूब लिख दिया, और अब इनमें से जब मैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ तो ए प्लस बी ओमेगा यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, तो इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे ये बेनिफिट होगा कि ए प्लस बी ओमेगा इन दोनों में से कॉमन आ रहा होगा, ठीक है, और दूसरा ब्रैकेट हमारा क्या बन जाएगा, ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी, ये ठीक है, ये हमारे तीन ब्रैकेट बन जाएंगे, या मैं कहूँ इसके तीन फैक्टर बन जाएंगे इन द टर्म ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना, क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर ओमेगा यूज हो रहा है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर यूज हो रहा है, और यहाँ पर आप इनटू चाहो तो वन यूज कर लो, तो आपको तीनों क्यूब रूट के टर्म में ये दिख रहा होगा। तो एक बार फिर से कैसे किया, अगर हमें इसको फैक्टराइज करना है, हमें क्या करना है, फैक्टराइज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और फैक्टराइज करके अपने आंसर किसके टर्म में देने हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के टर्म में। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस माइनस को हमने माइनस वन लिख लिया ऐसे यहाँ पर, और यहाँ पर इंटू अपनी तरफ से वन करा दिया, हम जानते हैं कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, तो वन जब उधर जाता होगा तो माइनस का वन बन जाता होगा, है ना, तो कहीं पर माइनस वन लिखा हो तो उसे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो मैंने इस माइनस वन की जगह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, और हम जानते हैं कि कहीं पर वन लिखा हो वो ओमेगा क्यूब के इक्वल होगा, तो मैंने इस वन को ओमेगा क्यूब के इक्वल लिख दिया। अब इस ए बी का मल्टीप्लाई यहाँ पर करा दिया, फिर इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, फिर ये वाला ब्रैकेट कॉमन आ गया, तो ये हमारे फैक्टराइजेशन आ गया, ये हमारे तीन फैक्टर रहे होंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, इस तरह से आप फैक्टर निकाल सकते हो। तो जब भी कभी आपको अब यूज करने हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कभी भी एक्सप्रेशन लिखाओ तो आप डायरेक्टली ये तीन फैक्टर वहां पर यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आपको मान लो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर निकालने के लिए दे दिए गए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको फैक्टराइजेशन करा के दिखाओ इन द टर्म ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तब क्या आप क्या करोगे, तो आप इसकी आइडेंटिटी लिखोगे पहले, तो ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये वाली आइडेंटिटी लिखोगे। अच्छा, और यहां पर ए माइनस बी ऐसे ही ठीक है, ए स्क्वायर प्लस, यहां वन ही तो लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है, ए बी, और प्लस में क्या चल रहा है, बी स्क्वायर, और उसके मल्टीप्लाई में वन लिख लो अपनी तरफ से, इसके इनटू में क्या लिख लो, वन, और वन को अपनी तरफ से क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा क्यूब, ऐसे, ठीक है। फिर से यहाँ पर वन लिखा है, जो उस वन की जगह हमने लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर इनटू वन कराकर वन को अपनी तरफ से क्या लिख दो, ओमेगा क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर ऐसी ठीक है, ए बी का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो माइनस का ओमेगा ए बी आएगा, यहाँ पर कराओ माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए बी आएगा, और प्लस में बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब चल रहा है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ए माइनस बी ऐसे ही ठीक है, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए, तो क्या बचेगा, ए माइनस ओमेगा बी, ये बचेगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से माइनस का ओमेगा स्क्वायर और बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ए माइनस बी ओमेगा, इस तरह से, ठीक है। तो ए माइनस बी ऐसे ही ठीक है, यहाँ पर ए माइनस ओमेगा बी और ए माइनस ओमेगा बी, इसका एक ब्रैकेट आ जाएगा हमारे पास कॉमन, और क्या बच जाएगा, ए माइनस ओमेगा स्क्वायर बी, तो ये तीन फैक्टर रहे होंगे इस इक्वेशन के, ठीक है। तो बनाए कैसे जाते हैं, यहाँ पर वन को यूज करो, तो अगर वन को लिखना हो तो ये लिख लिया जाता है, और अगर माइनस वन को कभी लिखना हो, है ना, माइनस वन को अगर चेंज करना हो इसको, तो इसको चेंज करने के लिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का यूज किया जाता है, ठीक है, और जहां जहां वन लिखा हो वहां सब जगह ओमेगा क्यूब लिखा जा सकता है। तो इस तरह से आप फैक्टराइज करा सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब
एंड ए क्यू माइनस बी क्यू को, इनको आप क्वेश्चंस में यूज करोगे। ठीक है, तो ये समझ आ रहे हैं स्टेप्स कैसे किए। फैक्टराइजेशन आप करा सकते हैं, ये एक आइडेंटिटी है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, इसका फैक्टराइजेशन कराइए इन द टर्म ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो है, पहले तो इसकी आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ये आपने क्लास नाइन्थ लेवल पर कहीं पर पढ़ी होगी, है ना। वो आइडेंटिटी याद है आपको क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी एंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इसके इक्वल होती है। अच्छा, अब ए प्लस बी प्लस सी ये तो ठीक है, ये एक फैक्टर तो बन गया, अब इसका फैक्टर और चाहिए। तो इसके फैक्टर कराने के लिए आप क्या करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे ठीक है। जहाँ जहाँ माइनस लिखा हुआ है वहाँ वहाँ सभी जगह पर क्या लिखा जा सकता है बताओ। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अगर कहीं पर माइनस वन लिखा हो, क्या लिखा हो, माइनस वन, तो उसे क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो के इक्वल होता है, वन उधर चला जाता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन के इक्वल आ जाता है। तो माइनस वन की जगह सभी जगह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और साथ में ए बी, ऐसे यहाँ माइनस वन की जगह सब जगह क्या, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना, साथ में क्या बी सी, फिर से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और साथ में क्या सी ए, ये ठीक है। अब आप इन ए बी का मल्टीप्लाई कराओगे, बी सी का मल्टीप्लाई कराओगे, सी ए का मल्टीप्लाई कराओगे, जब आप ये तीनों मल्टीप्लाई करा दोगे तो वहाँ से आपके पास आपके फैक्टर निकल कर आ जाएंगे, ए प्लस बी ओमेगा तो सी के साथ ओमेगा स्क्वायर आएगा, और फिर एक बार ए ऐसे ठीक है, बी के साथ ओमेगा स्क्वायर आएगा तो सी के साथ ओमेगा आएगा। ठीक है, करना क्या है आपको, बस मल्टीप्लाई कराकर कॉमन ले लेना है, सब में से कॉमन लेते जाओगे और ये टर्म बनते चले जाएंगे। ओके, तो अब ये आपके फैक्टर बन गए इन तीनों के, तो इस ये जो आपके पास टर्म है, इस टर्म के जो फैक्टर आए हैं, इन फैक्टर को आप डायरेक्टली यूज कर लिया करोगे जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन आएगी, कहीं पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी लिखा हो तो आप उसको ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा लिख सकते हो। ठीक है, ये इसका फैक्टराइजेशन है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम लोगों ने पढ़ लिया कि तीन हमारे पास क्यूब रूट होते हैं, नंबर वन है वन, नंबर टू हमने क्या पढ़ा, माइनस वन प्लस थ्री आयोटा अपॉन टू एंड माइनस वन माइनस थ्री आयोटा अपॉन टू। तो यूनिटी का अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं तो उनके ये तीन बनते हैं रूट। ओके, नाउ ये जो तीन रूट हैं, ये हमने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जाए और ये जो तीन रूट हैं वो एज अ वर्टिसेस वहाँ पर कंसीडर किए जाएं, तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि क्यूब रूट जो हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस की तरह शो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ, जैसे ये वन है, ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, ये इसमें वन तो ओके पहचानते ही हो, ओमेगा मतलब क्या, माइनस वन प्लस थ्री आयोटा अपॉन टू, और ओमेगा स्क्वायर का मतलब माइनस वन माइनस थ्री आयोटा अपॉन टू, इस तरह से। ठीक है, अब किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो वर्टिसेस हैं उनको क्यूब रूट के टर्म, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के टर्म में दिखाया जा सकता है। इस बात का प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ बिल्कुल सिंपल सा ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं उनकी तीनों साइड्स जो होती हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। ये जब आप वर्टिसेस मानते हो ए बी सी, है ना, इस ट्रायंगल की वर्टिसेस आप ले लेते हो, तो जब आप लेंथ निकालोगे ए से बी तक की डिस्टेंस, बी से सी तक की डिस्टेंस और सी से ए तक की जब डिस्टेंस आप निकालते हो, तो इन तीनों के आंसर आपस में इक्वल आते हैं। अगर इन तीनों के आंसर आपस में इक्वल आते हैं, इस बात का मतलब ये हो गया कि ये जो ट्रायंगल एबीसी है ये कैसा ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है।
इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। इस तरह से कहो, क्यूब रूट यूनिटी की जो प्रॉपर्टी है उनको पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, जैसे x माइनस वन का होल क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये प्लस का 8 है उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। अच्छा, अब x माइनस वन ऐसे ही, ठीक है, ये क्यूब हटाओगे तो इधर माइनस 8 का क्यूब रूट आ जाएगा। ओके, अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 8 का क्यूब रूट अलग और माइनस वन का क्यूब रूट अलग, ऐसे, हाँ या ना, लिख सकते हैं। तो 8 का जो क्यूब रूट होता है वो 2 के इक्वल होगा, बट माइनस वन का जो क्यूब रूट है इसके आंसर क्या क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात की जाए तो उसके रूट होते हैं 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, बट अगर नेगेटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात की जाए तो उसके जो क्यूब रूट होते हैं वो 1, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये होते हैं। तो अब हमारे पास माइनस वन का क्यूब रूट है तो ये किस किस के इक्वल हो सकता है, तो आंसर है ये 1 के इक्वल हो सकता है ना, किसके इक्वल हो सकता है, 1 के इक्वल, सॉरी माइनस वन के इक्वल हो सकता है ना, और ये किसके इक्वल हो सकता है, यही जो इक्वेशन है हमारी, ये किसके इक्वल हो सकती है, x माइनस वन इक्वल्स टू टू इन टू, अब माइनस वन की पावर 1/3 माइनस ओमेगा भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि x माइनस वन इक्वल्स टू टू इन टू, यहाँ पर माइनस वन की क्यूब रूट को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी वैल्यू ले सकता है, ये माइनस वन का क्यूब रूट जो है माइनस वन हो सकता है, माइनस ओमेगा हो सकता है और माइनस ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब इसको आप सॉल्व करो, तो x ऐसे ही ठीक है, इधर इस टाइप किधर लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, माइनस टू लिखा हुआ है, और ये 1 इधर लेकर आओ तो कितना आ जाएगा, प्लस 1, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1, ठीक है। एक आंसर तो आपका x का ये हो सकता है, दूसरा आंसर क्या हो सकता है, तो x ऐसे ही ठीक है, ये 1 माइनस का 1 है उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और पहले से वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस का 2 ओमेगा, तो एक आंसर ये हो सकता है। और यहाँ पर भी इसी तरह से करो, ये 1 माइनस का है उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 1, और यहाँ पर पहले से क्या लिखा हुआ है, माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाय माइनस 1, 1 माइनस 2 ओमेगा एंड 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर होंगे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन, ठीक है, ये तीनों आंसर। तो ये समझ आया आपको कैसे किया।